फिरोजाबाद में सपा के लिए सपाई ही बने परेशानी। मैदान में विधायक का पूरा परिवार सपा के खिलाफ। फिरोजाबाद में नेताजी के समधी ने खोला सियासी मोर्चा। सपा की रार का विपक्ष ले सकता है फायदा। देखिए आखिर क्यों फिरोजाबाद में बने ऐसे हालात। उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में समाजवादी पार्टी भले ही जीत का दावा कर रही हो, लेकिन कई जगहों पर समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती सपा के नेता और सपा से निष्कासित किए गए नेता बने हुए हैं। कई जगह पर पार्टी में गुटबाजी के मामले देखने को मिले हैं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों ने पार्टी की हकीकत को सबके सामने उजागर कर दिया है। कई जगह पर बीजेपी ने सपा नेताओं को टिकट देकर मैदान में उतारा है। अब फिरोजाबाद का ही मामला ले लीजिए, जहां पर समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक का पूरा परिवार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैदान में है और ये विधायक मुलायम सिंह यादव के समधी भी हैं। कोरोना संकट के बीच उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में 2022 विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल माने जा रहे पंचायत चुनाव में फिरोजाबाद जिले में मुलायम सिंह यादव के समधी सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव की सियासत दांव पर लगी है। हरिओम यादव की सपा महासचिव रामगोपाल यादव से कभी नहीं बनी, जबकि शोपाल सिंह यादव से नजदीकी के रिश्ते रहे हैं। हरिओम यादव का परिवार फिरोजाबाद में सपा के खिलाफ चुनावी ताल ठोक रहा है। सपा से निष्कासित विधायक हरिओम यादव कहते हैं कि हम लोग तो सब एक साथ हैं और जो कुछ विवाद है वो मुलायम सिंह यादव के परिवार में है। हम चाहते हैं कि नेताजी के रहते हुए विवाद सुलझ जाए और परिवार एक रहे। सभी रिश्तेदारों और सभी शुभचिंतकों का यही कहना है कि सब प्रेम से रहें और तरक्की करें। हरिओम यादव कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव शोपाल यादव के साथ बातचीत कर सारे मामले सुलझाएं और परिवार को एक करें। परिवार एक हो जाएगा तो 2022 में सरकार बननी तय है। शोपाल सिंह यादव के समर्थन से हरिओम यादव का परिवार पंचायत चुनाव में किस्मत आजमा रहा है। फिरोजाबाद जिले में कुल 33 जिला पंचायत सदस्य के वार्ड हैं। हरिओम यादव कहते हैं कि इनमें कहीं समाजवादी पार्टी लड़ रही है तो कहीं बीजेपी लड़ रही है, कहीं कहीं दोनों मिलकर लड़ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि सबसे ज्यादा सीटें हमारी ही आएंगी। शोपाल यादव का यहां पर प्रभाव है, इसी के चलते लोकसभा चुनाव में सपा बसपा दोनों मिलकर लड़े थे, तब भी शोपाल यादव को 96,000 से ज्यादा वोट मिले थे। शोपाल यादव की वजह से यहां समाजवादी पार्टी की हार हुई। जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हरिओम यादव के बेटे विजय प्रताप का कहना है कि पंचायत चुनाव में पार्टी का ज्यादा मतलब नहीं होता, क्योंकि इसमें सिंबल नहीं मिलता। पंचायत चुनाव में लोग व्यक्तिगत आधार पर, व्यक्तिगत पहचान पर और काम पर वोट देते हैं। पूरा परिवार एक होता तो सब मिलकर लड़ते, अब जब सब बिखराव है तो संघर्ष होगा और चुनाव परिणाम आने वाला समय बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ा है। विजय का कहना है कि समाजवादी पार्टी के लोग भी लड़ रहे हैं, पिछली बार भी लड़े थे। हरिओम यादव का मानना है कि इसका सीधा असर परिवार पर पड़ेगा। राजनीतिक विचारधारा अलग अलग होगी तो असर तो होगा ही। नेताजी को तो सबकी जरूरत है, नेताजी की कमी हम महसूस करते हैं। समाजवादी पार्टी वाकई में कमजोर हुई है, इटावा और फिरोजाबाद में तो बिल्कुल कमजोर हुई है, जबकि एटा और मैनपुरी में स्थिति खराब है, जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ हुआ करता था। हरिओम यादव कहते हैं कि बीजेपी सेंधमारी कर रही है। बीजेपी ने इससे पहले कभी परिवार के सदस्य को टिकट नहीं दिया। परिवार में तोड़फोड़ करने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। अगर सब इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। रामगोपाल यादव को लेकर मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि रामगोपाल यादव बीजेपी से अंदर खाने साठगांठ कर चुके हैं। यादव सिंह मामले को लेकर अगर सही से जांच होगी तो रामगोपाल, उनका लड़का और उनकी बहू जेल जाएंगे। रामगोपाल की अमित शाह से डील हो चुकी है। रामगोपाल यादव समाजवादी पार्टी को धीमे धीमे खत्म कर रहे हैं, ये बात खुद मुलायम सिंह कह चुके हैं। ऐसे में सपा परिवार को इकट्ठा करने की जरूरत है और ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं बल्कि नेताजी के ऊपर है। नेताजी के रहते रहते अगर परिवार इकट्ठा हो गया तो बेहतर है, वरना आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का बहुत बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। मुलायम सिंह यादव के समधी और सिरसागंज से विधायक हरिओम यादव की तरफ से जिस तरीके के तेवर अख्तियार किए गए हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए खतरनाक मंसूबे और संकेत जाहिर कर रहे हैं। देखना यह है कि सपा इनको कैसे संभालती है और कैसे अपनी साख को बरकरार रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।